कक्षा 6 के विद्यार्थी ध्यान देवें, आज अपने मैं सह ज्ञात करना सीखेंगे महत्तम समावर्तक। तो जैसे संख्या दी गई है 18 और 48, इसका मैं सह कैसे निकालते हैं? तो पहले इन संख्याओं के अलग अलग लिख करके इनके अभाज्य गुणनखंड यानी इनके टुकड़े करेंगे। टुकड़े करने के बाद जो इनमें से कॉमन अंक आएंगे उनको अलग लेकर के और उनका गुणा करने पर हमारा उत्तर प्राप्त होता है। जैसे पहले अपने 18 के अभाज्य गुणनखंड यानी टुकड़े करते हैं, तो इसमें 2 का भाग देने पर 9 प्राप्त हुआ। 9 में 3 के 3 से विभाजित हैं, तो 3 से विभाजित करने पर 3 आएगा, 3 को 3 से करेंगे 1। इसके टुकड़े इस तरह से नीचे लिख देंगे, 2 × 3 × 3। इसी तरह अब दूसरी इसके साथी संख्या है 48, इसमें 2 से विभाजित करेंगे तो 24, फिर 2 से विभाजित करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1। इसके टुकड़े भी इसके नीचे लिख लेंगे, 2 × 3 × 2, 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 3। अब आप इसमें से कॉमन जो मिलान करने पर पता लग गया भी 2 इसमें है, 2 इसमें, तो 2 कॉमन आ गया। 3 इसमें, 3 इसमें, तो 3 कॉमन आ गया। इसके अलावा कोई शब्द कॉमन नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पर 3 बचा तो 3 नीचे और कोई संख्या नहीं, 1 था वो कॉमन अपने ले लिया। अब इनका आपस में गुणा करने पर यानी 2 × 3 = 76 उत्तर आ गया। इसी तरह से तीन संख्याओं वाला देखिए, 70, 105 और 175। तो इसी तरह भाज्य गुणनखंड उसके टुकड़े कर लेंगे, पहले 2 से विभाजित करेंगे 35, फिर 5 से विभाजित होगा 7 और फिर 7 से। इसी तरह 105 है वो 3 से पहले विभाजित हो गया, फिर 5 से, फिर 7 से। इनके टुकड़े भी अपने इस तरह से नीचे लिख लेंगे, तो 70 × 2 × 5 × 7, 105 × 3 × 5 × 7, 175 × 5 × 7। अब आप ध्यान से देखें इसमें, तो 5 तीनों संख्याओं में है तो 5 कॉमन आ गया, 7 भी तीनों संख्याओं में है तो 7 कॉमन आ गया। अब 2, 3, 5 ये अलग अलग हैं, तो अब इनका गुणा करने पर 7 × 5 = 35, यानी जो अपना उत्तर प्राप्त हो रहा है वो पूरा पूरी इन संख्याओं को विभाजित करेगा। जैसे पहला प्रश्न अपने 6 निकाला, तो 6 × 3 = 18, 6 × 8 = 48। इसी तरह से अपने 35 उत्तर प्राप्त है, तो 35 × 2 = 70, 35 × 3 = 105, 35 × 5 = 75, यानी पूर्णतया उसको विभाजित कर देती है। इसी तरह से आप एक उदाहरण और देख लीजिए, 12, 45 और 75 का। तो पहले अपने 12 के भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। इसी तरह 45 के टुकड़े और 75 के टुकड़े करने के बाद इनको यहाँ लिखेंगे, तो 12 × 2 × 2 × 3, 45 × 3 × 3 × 5 और 75 × 3, 5 और 5। अब इसमें सिर्फ एक 3 ही कॉमन आ रहा है, 5 इन दोनों में लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें है, तो 3 कॉमन हो गया, 2 इन नीचे वाले संख्या में नहीं दिया गया, तो इसका उत्तर सिर्फ 3 ही आएगा। तो इसी तरह से आप घर पे अभ्यास के लिए जो दिए गए प्रश्न हैं इनको आप अपने अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। जैसे 30, 42, 18, 60, 27, 63, 91, 112, 149, 18, 54 और 81 आप अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में इनको अभ्यास करते हुए हल करके लिखेंगे। धन्यवाद।